दिल्ली पुलिस में इन दिनों काफी फेरबदल किए जा रहे हैं। पिछले दिनों काफी इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए और करीब 2 दर्जन SHO भी बदले गए थे। अब नए बदलाव में 6 जिलों की कमान महिला DCP को सौंपी गई है। उन्हीं में से एक हैं उषा रांगनानी और ईशा पांडे। उषा 2011 बैच की IPS हैं और इस साल जनवरी के नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के DCP के तौर पर तैनात हैं। DCP उषा ने नॉर्थ वेस्ट जिले से पहले 2 महीने बतौर DCP PCR काम किया था। नॉर्थ वेस्ट जिले की कमान संभालने के साथ ही पिछले 10 महीनों में उन्होंने स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। DCP, as you said, is national capital का होना, it's really challenging, specifically in my district. मेरी district जो North West district है, full combination है, crime बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, criminals बहुत active रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा JJ cluster है मेरे यहाँ पे, जो कि झोपड़ी clusters है, resettlement colonies है, तो उसमें काफ़ी economically backward section के लोग रहते हैं, जो economically disadvantaged है, और आफ्टर कोविड, आफ्टर बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, तो काफ़ी इकोनॉमिक लॉस काफ़ी सफ़र किया है। तो ऐसे में आई हैव ऑब्जर्व मैनी पीपल आर टर्निंग टू क्राइम, सो द बिगेस्ट चैलेंज इज टू बी वेरी हार्श ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। और दूसरा फिर स्केप रूट्स बहुत हैं, ये दिस कम्बाइंड, दिस एरिया इज़ लाइक फुल ऑफ हाईवेज, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, देन GT करनाल रोड, तो स्केप रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रिमिनल आता है कर जाता है। तो यहाँ पे जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो ये है कि पेट्रोलिंग इफेक्टिव रहे। फिर रेजिडेंशियल एरिया बहुत है, तो जो रेजिडेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग करना, उनसे बातचीत करना, एक निरंतर संपर्क बना रहे, उनकी एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, उनके अंदर एक फीलिंग आए सेफ्टी और सिक्योरिटी की। उषा आगरा की रहने वाली हैं लेकिन अब परिवार समेत दिल्ली में रहती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अपने छोटे परिवार से ज्यादा वक्त अब वो अपने बड़े परिवार के साथ बिताती हैं। अब बात ईशा पांडे की। ईशा 2010 बैच की IPS अधिकारी हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस महकमे में रहते हुए वो कई किताबें लिख चुकी हैं। IPS करने से पहले ईशा ने JNU से MPhil किया है और कुछ समय के लिए पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए है, फैमिली चाहिए जो आपको सपोर्ट कर पाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ये जॉब इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं फैमिली को उतना नहीं देख पाती, तो मेरे पास जो मेरे फैमिली में मेंबर्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें पूरा करते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना काम कर पाती हूँ। दिल्ली के अलावा लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश में तैनात रह चुकी हैं। ईशा पांडे सेंट्रल और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल DCP भी रह चुकी हैं। PCR को जिलों के साथ अटैच करने का पेचीदा काम उन्हीं की निगरानी में किया गया। अब ईशा अपनी नई जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही हैं। दिल्ली के ऑफिसर्स देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती जा रही हैं। ये भारत में महिला सशक्तिकरण की राह में उठाया गया एक बेहद शानदार और मजबूत कदम है।